हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवर देतीमन। दो अलग अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती की, जहां पर प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी यहां रहने वाली है। प्री प्राइमरी टीचर्स की सैलरी जो है मेंशन नहीं की गई है, बट पीआरटी की 54,000, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 67,000 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की 71,000 सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है 30 सितंबर रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना होगा। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों ही डीपीएस के नोटिफिकेशन हम देखेंगे जो मेन वेबसाइट पर इनके डाले गए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता से एक वैकेंसी है, जहां पर आप नीचे जो है देखेंगे जॉब्स, जॉब्स में आप लोगों को नजर आएगा 2023 और 24 एकेडमिक सेशन के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट की गई है टीचर्स की। तो पीजीटी की है यहां पर 11 12th को पढ़ाने के लिए, टीजीटी 6 से 10 तक को पढ़ाने के लिए, पीआरटी की है 1 टू 5, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर की है, सीनियर अकाउंटेंट की है और प्री प्राइमरी टीचर्स की है। नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है, न्यूज़पेपर में भी जारी किया गया है और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेन वेबसाइट पर ही हम सारी चीजें चेक कर लेते हैं। यहां पर पीजीटी के लिए सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ये जो है सभी सब्जेक्ट हैं जहां वैकेंसी निकाली गई है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है काम करना जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। सैलरी काफी अच्छी ही मिलती है आप लोगों को यहाँ पर। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में जो है बीएड यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 10 ईयर एट ए सिमिलर लेवल, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज यहाँ पर 45 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर सैलरी जो है अप्रोक्स लिखा है, यानी इससे अधिक भी जो है दी जा सकती है, 71,328। नेक्स्ट टीजीटी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, क्लास 6 से लेकर 10th तक को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और उसके बाद मैंडरियन और लाइब्रेरियन, ठीक है। ये आप देख लें ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इनकी वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट के साथ भी जो है। अब आप देखें टीजीटी के लिए भी इन्होंने कहा है कि इन सब्जेक्ट में आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मिनिमम 7 साल का मांगा जा रहा है। एज जो है यहाँ पर रहेगी 40 साल और यहाँ पर अप्रोक्स यानी लगभग जो है आप लोगों को सैलरी 67,521 मिलेगी। नेक्स्ट पीआरटी 1 से लेकर 5 तक के टीचर्स के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट मांगी गई है, ठीक है। ग्रेजुएट और बीएड मांगा गया है पीआरटी के लिए, तो यहाँ पर बीटीसी डीलेट वाले जो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, बट प्री प्राइमरी में जो हम देखेंगे वहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। पीआरटी 1 टू 5 के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस, सोशल स्टडी, हिंदी, बंगाली, आर्ट, फ्रेंच, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और डांस, सभी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गए। 35 साल उम्र रखी गई है और यहाँ पर 54,126 सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ग्रेजुएट चाहिए, मोंटेसरी ट्रेनिंग चाहिए, टीटीसी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है वो 30 ईयर है। असिस्टेंट टीचर्स की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट की है, स्पेशल एजुकेटर की है, स्कूल काउंसलर की है और कोचेज की है, यानी सभी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे जब, तो यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन मस्ट रीच अस बाय 30 अक्टूबर 2022। ये जो है ये पुराना जो है वो बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया है, बट वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और 30 सितंबर लास्ट डेट है और इन्होंने जो है न्यू फ्रेश एडवर्टीजमेंट जो कि न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि 30 अक्टूबर 2022 है और ये बिल्कुल बिल्कुल सही जो है आप लोगों को बताया जा रहा है। मेन पोर्टल पर यहां पर ही आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। जितनी भी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है तो आपके सामने नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है और इस तरीके से जो है वो आप लोगों के पास जॉब ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, आपके पास ओटीपी आएगा और उसके बाद जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करेंगे। इसी तरीके से है जितने भी जो है, जैसे टीजीटी के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पीआरटी के लिए करना चाहते हैं, तो इसी को जो है, जैसे पीजीटी के लिए आपने इस पर क्लिक किया तो अप्लाई नाउ,
उसके बाद टीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, आ गया। पीआरटी के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए करना चाहते हैं तो सभी जो है अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है वो आप लोगों को करना होगा। और लास्ट डेट ध्यान रखना है, इस पर नहीं जाना है, 30 अक्टूबर 2022 नहीं है, 30 सितंबर है। ये पिछले साल का जो है यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने जो है इसको चेंज नहीं किया है। तो बिल्कुल माइंड में ये मत रखें कि ये पुरानी एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, नई है। तो दूसरा जो स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर, यहाँ से वैकेंसी है, नीचे आप आएंगे जॉब्स आपको नजर आ गया। तो पीजीटी 11th 12th को पढ़ाने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट आपको मेंशन हो गए सारे, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, ठीक है, बीएड चाहिए। यहाँ पर पीजीटी के लिए एप्लीकेशन करें चाहे टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड मांगा गया है और 10 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी के लिए मांगा गया है। टीजीटी के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 40 ईयर एज रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है पीआरटी के लिए जो आप सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट वही है सभी, इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस ईवीएस सोशल स्टडी हिंदी बंगाली आर्ट फ्रेंच लाइब्रेरियन म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन और डांस, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन बिल्कुल यहाँ पर करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर्स की है, ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन आप लोगों को करना है। और भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि एप्लीकेशन मस्ट रीच बाय 30 अक्टूबर 2022, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि ये पुराना है, यहाँ पर लिखा गया है और इन्होंने इसको जो है वो चेंज नहीं किया है, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर ही है। और एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं और स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन कर भी रहे हैं। तो पहली जो वैकेंसी है इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता से है। दूसरी जो वैकेंसी है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर से है, ठीक है। बहुत अच्छी जो है जॉब है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।